हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब। 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी बिकॉज मैं ट्रैवलिंग पे था, बट आई एम श्योर कि अब मेरी वीडियो डेली आएंगी। दोस्तों वीडियो के बताने से पहले मैं एक छोटा सा अपडेट आपको दे देता हूँ। ये देखेंगे आप, आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी मेरे पास 2-3 मेल आए हैं जो कि आज और कल के अंदर ही आए हैं। हाय ब्रो, मेरा सिलेक्शन हो गया है टाटा पावर में, थैंक्स अ लॉट, ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे, अंकित राठी। ये आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, एक भाई का और मैसेज आया है, मेल आया है, भैया टाटा पावर में कल इंटरव्यू है, प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दो। दोस्तों अगर मैं पर्सनली आपको, अगर आपको गाइडेंस चाहिए या जी जिसका इंटरव्यू की कॉल आई है वो थोड़ा मेरा बताइएगा, और अगर नहीं आई है तो आप जो है एक बार टाटा पावर में जाके अप्लाई ज़रूर कीजिए। अप्लाई कौन कौन सी वैकेंसी के लिए करना है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए करना है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और मेरा जो है कि देखिए, अभी 2-3 दिन पहले मैं टाटा पावर की रिगार्डिंग वैकेंसी लाया था, बट यहाँ अब मैं दोबारा लेके आया हूँ। सिर्फ उसका रीज़न एक है कि इसमें हायरिंग होने लग रही है और यहाँ से मेल आने लग रहे हैं, और यहाँ जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सभी के लिए। तो अभी जिसने अप्लाई नहीं किया है, जिसने अप्लाई कर भी दिया है, वो भी एक बार दोबारा से अप्लाई करे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कब आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, ये हमें भी नहीं पता है। अप्लाई करने का काम आपका है, रिप्लाई करने का काम जल्दी से जल्दी टाटा पावर वालों का है। और दोस्तों एक चीज़ है कि जिनका नहीं आया है वो ये मत सोचिए कि हमारा लास्ट टाइम नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा, अभी भी आप अप्लाई कीजिए, आपका हो सकता है कि आपकी लास्ट चांस। और एक भाई का मेरे पास मैसेज आया है, वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, वो किसी ने उसने जो है कमेंट्स में टाइप किया था कि सर मैं सबसे पहले तो यार मेरे को सर्वर मत बोला कीजिए, और उसने मेरे को बोला था कि मैं अभी 25 से 30वीं बार टाटा पावर में सबमिट किया है, इस बार फर्स्ट टाइम रिप्लाई आया है, रिप्लाई करके ये आया है कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड पे है, और वो उसका GET के लिए। देखिए जब ऐसी वैकेंसी निकलती है ना, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, तो वो आपकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, वो भी स्किल्स की, हाँ बंदा वर्क कर सकता है अदरवाइज नहीं। वो कभी भी ये चेक नहीं करते कि आपने एक्सपीरियंस क्या है, जब ट्रेनी है तो उसमें एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसीलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है उसके बारे मैं बता देता हूं, लिंक कहां मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। टाटा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जैसे ही हम आएंगे इसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट फ्रेशर और ऑब्लिक एक्सपीरियंस गाय के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज ओपन है। उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये स्टार्ट वाले पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप करेंगे देखेंगे आप यहाँ ये एसोसिएट जो एसोसिएट आई है, देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी IT, IT कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट इंजीनियर IT, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मार्केटिंग और एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी केमिकल, ये सब के लिए वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारी वैकेंसी है, सिर्फ यही नहीं, अभी मैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्सेज IT और एसोसिएट की जो वैकेंसी है आप देखेंगे, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी फायर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ऑपरेशंस, इसमें ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है, ऑपरेशंस में ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है। अभी जो मैं वैकेंसी आपको बताऊंगा एसोसिएट वाली, एसोसिएट में दोस्तों एसोसिएट में डायरेक्टली सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वो डिप्लोमा वाले, देखिए आप ये वैकेंसी दिख रही होगी एसोसिएट सिविल एंड स्टेट SRA प्रोजेक्ट, तो SRA प्रोजेक्ट जो है टाटा का इंटरनल प्रोजेक्ट है, इसमें डिप्लोमा वाले के लिए बम्पर वैकेंसी निकल के आई है। तो डिप्लोमा वाले इसमें अप्लाई कर दे, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ऑपरेशंस में ऑल ब्रांचेस और ऑपरेशंस में ऑल ब्रांचेस, और फायर एंड सेफ्टी और केमिकल के लिए अलग से वैकेंसी निकाली दी है। इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे इसमें आएगा आपका रिप्लाई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले एक बात बता दूं, ये सारी वैकेंसी जो है ये 2-3 दिन के अंदर ही आई है, तो याद रखिए अभी वैकेंसी बिल्कुल नहीं है, और ये जो इनका रिप्लाई आने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब इनके जो चांसेस है वो 90, क्योंकि ये जो आप देखेंगे कितनी सारी वैकेंसी निकल के आई हुई है। अब इतनी सारी वैकेंसी अगर एक साथ आएंगी तो आपको पता है कि सिलेक्शन भी बहुत हाईली रेट पे होगा, तो आप अप्लाई जरूर कर देना दोस्तों। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार यही कह के, आप देखेंगे कितनी सारी टोटल 49 वैकेंसीज रो में आई हुई है, और ये जो है अगर आप नीचे तक जाएंगे पूरा आप देखेंगे सारी वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी रो वाइज वैकेंसी निकल के आ रही है, अपॉर्चुनिटी बम्पर है। ऐसी बार बार अप्लाई, बार बार रिप्लाई नहीं आते हैं, वो बार बार अप्लाई भी नहीं किया जाता है। अगर कोई भी एक वैकेंसी ले लेते हैं, चाहे वो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी ब्रांचेस से हो, आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इसको अप्लाई पे जाना है। जैसे ही आप इसके अप्लाई पे जाएंगे दोस्तों, पीछे से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट मिलेगा, बट उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी मैं अपने प्लेस पर नहीं हूँ। तो आपको क्या कर लेना है, एप्लीकेशन विजार्ड में जाना है, एप्लीकेशन विजार्ड में जाके आप सामने कुछ इस तरीके की सीट ओपन होके आ जाएगी। ये आपको क्या कर लेना है, जैसे आपको स्टार्टिंग में आपको दिखेगा
अगर एप्लीकेशन विजार्ड आप ऑलरेडी पहले यूज़र हैं तो वो कर दीजिएगा, मतलब आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज आप ओल्ड यूज़र हैं तो ओल्ड यूज़र में कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आ गया आपका आ गया एजुकेशन ट्रेनिंग। एजुकेशन ट्रेनिंग में जैसे पर्सनल डाटा में आपने अपना पूरा डाटा डाल दिया, आप हाउस नंबर, परमानेंट टेम्प्रेरी, कोशिश कीजिएगा परमानेंट रेजिडेंस और टेम्प्रेरी रेजिडेंस और कम्युनिकेशन डाटा ये सब एक ही हो। उसके बाद इंटरनेट रेफरेंस, आप इस जो जॉब पे इंटरनेट के किस रेफरेंस से आए, आप सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये होम पेज या फिर अलग अलग डालिएगा, एक जैसा मत डाल दीजिएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ आप टाइप कर दीजिएगा कुछ भी जो आपको सही लगे। कैटेगरी में, कैटेगराइज्ड में इन्होंने लिखा है कैटेगराइज्ड में एफिलेट एक्शन, ये जर्नल, डू नॉट विश या ओबीसी आप डाल सकते हैं, या फिर आप जर्नल से हैं तो जर्नल में डाल सकते हैं, या शेड्यूल कास्ट से हैं तो शेड्यूल कास्ट में डाल सकते हैं, या प्रेफर्ड नॉट टू से तो ये भी डाल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिएगा टोटल एक्सपीरियंस, देखिए जब ऑलरेडी ये मेंशन है 0 ईयर्स 0 मंथ, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक है क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये फ्रेशर वालों के लिए ही ज़्यादा प्रेफरेंस वाली है। तो अब ये, अब जैसे ही आप इसके दूसरे पेज पे चलेंगे, मतलब जहां आपसे एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा, दोस्तों आपकी एजुकेशन क्या रही है फ्रॉम स्टार्ट टू बॉटम। अगर कुछ बंदों ने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग देखिए एजुकेशन तो हम क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में भी लिख सकते हैं, बट यहां आपको ट्रेनिंग लिखनी है। अब ट्रेनिंग आपने किस चीज़ की होगी, आपने ऑटो कैड भी किया होगा, या फिर आप किसी के, बहुत बंदों के पास अप्रेंटिसशिप भी है, बहुत बंदों के पास इंटर्नशिप भी है, तो वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वालिफिकेशन भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया वर्क एक्सपीरियंस। देखिए जो बंदे फ्रेशर हैं उनके लिए कुछ नहीं लिखना, इसको छोड़ देना क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है, बट जिनके पास एक्सपीरियंस है चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, या 10 साल का हो, वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। फोर्थ आ गया आपका प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में इन्होंने क्या मांगा है, प्रेफरेंसेस में इन्होंने मांगा है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आपकी जॉब रहेगी, मतलब ओ एंड एम में आपकी जॉब रहेगी, और आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी जैसे कि आपने थंबनेल पे जो भी देखा है उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज याद रखिए कि ये एक बिड की तरह है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, वैसे परमानेंट जॉब है, बट एक ये है कि जितनी कम सैलरी आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ आ गया आपके अटैचमेंट। अच्छा अटैचमेंट्स में आपने, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, रियल डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा अटैच करने हैं वो आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको टॉप टू बॉटम लिखना है। टॉप मतलब आपको सबसे पहले अपने बीटेक या फिर आपने डिप्लोमा किया है उनकी डिटेल, उसके बाद आपको अगर आपने 12th की है या फिर 10th की है उसकी डिटेल, या फिर उसके बीच में भी आपने कुछ किया है। क्वालिफिकेशन में एक्स्ट्रा कीजिएगा कि आप ग्रेजुएशन का आपने डाल दीजिएगा। नेक्स्ट जो आ गया कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है दोस्तों, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना। कवर लेटर का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जो है कवर लेटर आपको पिन कर रखा है मैंने, तो वहां से जाके आप इजीली ले सकते हैं कवर लेटर, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई क्या है कि कवर लेटर आज के टाइम में आपका सीवी बहुत कम आदमी देखते हैं, बट कवर लेटर हर बंदा उठा के देखता है। कवर लेटर में क्या होता है कि छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका कंप्लीट एप्लीकेशन। कंप्लीट एप्लीकेशन में आपका सोर्स टाइप लिख दीजिएगा और एप्लीकेशन सोर्स जो भी है ये मेंशन करके। नेक्स्ट कंप्लीट जो एप्लीकेशन की, 9th आ गया कंप्लीटेड। देखिए क्या होता है कि एक चीज़ है, ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन में आपको अपना रिज्यूम अटैच करना है, उसके बाद कंप्लीटेड में जाके आपके पास ये क्या है, आप मेल भेजते हैं। अगर आपके पास मेल आ जाता है तो वेल एंड गुड, बट नहीं आता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या होता है, ये जो मेल होते हैं और ऑटो जनरेटेड होते हैं, और जब एकदम से बल्क में जैसे आप जब जॉब का अप्लाई करेंगे तो एकदम से बहुत सारे बंदे पहुंचते हैं, तो एकदम से सिस्टम जो है एरर दिखा सकता है, एरर मेंशन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं, आपको अपनी तरफ से अप्लाई कर देना है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि नेक्स्ट वैकेंसी किसके लिए लाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा किसके कमेंट रहेंगे, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपको कह के थक गया हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप देखिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बट आप नहीं देखते हैं। आई डोंट नो उसका क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो तो आप मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपसे एक भी बोलूँगा कि मैं कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहूँगा, इसीलिए आप अप्लाई ज़रूर कर दिया कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।